हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? जय भीम, नमो बुद्धाय। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि दोस्तों चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावत जी ने बहुत बड़ा ऐलान किया है कि 11 सितंबर को फिर एक बार दिल्ली नीली होने वाली है। और ये कोई ऐसी वैसी नहीं, जैसे पीछे कई बार धरना प्रदर्शन हुए और लाखों की संख्या में लोग एकत्रित हुए। बहुजनों की भीड़ एक ऐसी भीड़ होती है जो वाकई में एक इतिहास रच देती है। तो दोस्तों, ऐसा ही कुछ 11 सितंबर को फिर होने वाला है। हम तो इस बात को मानते हैं कि जाने के लिए लड़ना हो, सब कुछ ओपन हो, दूध और पानी का पानी हो जाए, जिसको इतना मिला सब पता लग जाए। अपने मुंह से चंद्रशेखर आजाद जी खुद ये चीज बोल रहे हैं कि जैसे पिछले कई हमारे आंदोलन हुए जिसमें बढ़ चढ़ के बहुजन के निवासियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो दिल्ली का जंतर मंतर क्यों ना हो, फिर एक बार 11 सितंबर को फिर एक बार नीली वाली होने वाली है दिल्ली। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और भीम आर्मी भारत एकता मिशन जिला सहजानपुर टीवी उस चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। देखते हैं इस वीडियो को। सो में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, और धन धरती और राजा ये कि वो आरक्षण की सीमा बढ़ा दे, क्योंकि शेड्यूल कास्ट है, अगर सरकार जारी करेगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो अंतर विरोध आज आपस में हो गया है, वो अंतर आज इस आंदोलन का समर्थन वर्गीकरण का सेंटर में होनी चाहिए। दूसरा, मैं कहता हूं सेंटर को, अगर सेंटर हमारे भाइयों को देना चाहता है तो हम तो रेड पार्टी भीम आर्मी और अपने बहुजन समाज से बुद्धिजीवी वर्ग से कहूंगा कि किसी भी तरह की टिप्पणी अपने भाइयों पर ना करें। कल हमारे भाइयों को जब सरकार का खेल उनकी समझ में आएगा तो उनको एहसास हो जाएगा कि सरकार उनके साथ किस तरह खेल रही थी, सरकार उनकी कितनी हितैषी है, और सरकार उनसे वोट के अलावा कोई और मतलब मकसद रखती है नहीं रखती है। बहुत सारे लोगों को इतनी इतनी बार मौका मिला, फिर भी आज हम इस हालात में क्यों, इसका जिम्मेदार कौन है? नौकरियां इस देश में 2% है, जिनमें से 1% करीब निजीकरण की भेंट चढ़ गई है। बहुत सा बड़ा सेक्टर प्राइवेट हो गया, और बहुत सारे बैंक अभी प्राइवेट सेक्टर में करने के लिए उनको मर्ज करने की तैयारी कर दी। बहुत सारे स्कूल बंद हो रहे हैं, आने वाले समय में कोई कहीं किसी डिपार्टमेंट में सरकारी नौकरी बचेगी, सब सेक्टर प्राइवेट हो जाएगा, तब आपके बच्चे क्या करेंगे? मुझे इस बात की भी चिंता है। मुझे चिंता है, क्या आप पूरी जिंदगी जब तक जीवन रहेगा आपका, क्या आप गरीबी, बेबसी, जुल्म, जातिगत भेदभाव, अन्य अत्याचार से ही लड़ते रहेंगे, या इस देश में अपनी हिस्सेदारी को भी आगे बढ़ाएंगे? मैं फिर विश्वास दिलाता हूं, जो लोग मुझ पर भरोसा करते हैं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी, कार्यकर्ता होने के नाते आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी का मैं वचन देख कहता हूं कि मैं अपने लोगों के हितों के से किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं करूंगा, और किसी भी तरह से अपने लोगों के हितों को, दुश्मन को छीनने नहीं दूंगा किसी भी कीमत पर। जब तक मेरे अंदर लोहे का, मेरे शरीर में सांस है, लोहे का आखिरी कतरा है, मैं उनको विश्वास दिलाता हूं, जो शक्ति उन्होंने मुझे दी है, मैं उनकी शक्ति के बदौलत उनको विश्वास दिलाता हूं कि मैं चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता आपको विश्वास दिलाता हूं कि किसी भी सरकार को उसकी साजिश का जवाब देने की शक्ति आप लोगों ने हमें दी है, वो जवाब हम लोग दे सकते हैं। लेकिन मैं आपसे भी कहूंगा, सावधान रहें, सतर्क रहें, और आपस में अपनी एकता को ना टूटने दें। बहुत सारी चीजें समय के साथ जो है छनकर आपके सामने आ जाएंगी, बहुत सारी चीजें जो है छनकर स्पष्ट रूप से आपके सामने आएंगी, तब आपको एहसास हो जाएगा। मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे सुना, इसलिए मैं आपका आभारी हूं, मगर मेरा विश्वास है कि आप वर्तमान हालात, दुश्मनों की साजिश और आज की स्थिति में किस तरह से समाज को साथ लेकर चलना, इन फैसलों को मेरे समझेंगे। मैं बहुजन समाज का सच्चा सिपाही हूं, इसलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं, सावधान, सतर्क रहें और जिम्मेदारी से संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करते हुए अपनी बात को रखें।
अपने आंदोलन को चलाएं, किसी जाति धर्म पर टिप्पणी ना करें, किसी को बुरा ना कहें, अपने संवैधानिक संघर्ष को जारी रखें। और बाकी बात मैंने आपको कहा, जो सरकारें हमारी एकता तोड़ के हमें कमजोर करना चाहती है, उनसे हम सीधे सीधे जो संघर्ष है वो अपनी शक्ति के बल पे 11 सितंबर को दिल्ली में उनको जवाब देंगे और उनके इस झूठ को कि पोल को भी खोलने का काम करेंगे। हम पे बहुत सारे उस तरह के एविडेंस उनके प्रति हैं कि वो किस तरह की मंशा और किस तरह की इच्छा हमारे लोगों से रखते हैं, क्या वो हमारे लोग छुआछूत भेदभाव करते नहीं करते हैं और वो हम लोगों के कितने हित से। उन्हें आप सभी का धन्यवाद, लेकिन मैं समाज से अपील करूंगा कि वो निराश ना हो, कमजोर ना पड़े, मन में कोई परेशानी ना रखें। सुप्रीम कोर्ट और तमाम चीजों से बड़ी है जनता, और जनता जो है अपनी शक्ति को समझे। जिस तरह से हमने पहले भी, चाहे 2 अप्रैल को अपनी एकता से, चाहे दिल्ली में गुरु घर के आंदोलन में अपनी एकता से दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया है, उसी तरह से हम सरकार के इन षड्यंत्रों का भी सामना करेंगे, इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम पैरों की तरफ नहीं, आसमान की तरफ देखेंगे और 85% बहुजन समाज के लोगों को उनकी संख्या के आधार पर उनके अधिकार कैसे मिले, इस बात के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार होंगे। इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार। आप सभी के लिए मंगल कामनाएं और आप सभी के लिए जो है। दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देख ही लिया होगा कि किस तरह से और कितने जोश से एक बंदा सिर्फ आरक्षण के लिए सिर्फ एक बंदा बोल रहा है, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो पब्लिक हो, चाहे वो लाइव आके बोल रहा हो, बेझिझक बे लीडर एक ही बंदा बहुजनों का हितैषी है, वो है चंद्रशेखर आजाद, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद, भीम आर्मी, भारत एकता मिशन के चीफ और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो कि बेबाक बोलते हैं आरक्षण वाकई में कोई भीख नहीं है, इसके लिए बहुत मेहनत करी डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने, जिसके तहत हम लोगों को आरक्षण मिला। आरक्षण से सब लोगों को नफरत होती है, लेकिन हमें ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि अगर इन लोगों को आरक्षण से नफरत है तो ये जातिवाद खत्म करने के लिए क्यों नहीं बोलते। ये लोग नहीं बोलेंगे क्योंकि ये चाहते हैं कि जातिवाद रहे, ऊंच नीच रहे, भेदभाव रहे, इसलिए ये लोग आरक्षण के हमेशा पीछे पड़े रहते हैं कि आरक्षण खत्म हो, आरक्षण खत्म हो। और भैया ने एक बात बहुत अच्छी बोली है कि जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो दोस्तों, इसी के साथ ही जय भीम, नमो बुद्धाय, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और 11 सितंबर 2024 को नीली दिल्ली कर लें, ध्यान रखें, शेयर। You just wanna lose your mind. I know you hurt.